सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जो बिजनेसेस यूज करते हैं और बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है, स्पेशली जहां पे आपकी ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा हो जाती हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। जैसे हमने सेविंग्स अकाउंट के अंदर अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि वो इंडिविजुअल्स खुलवाते हैं सेविंग्स अकाउंट को, जनरली वो इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए होता है। करंट अकाउंट उसी तरीके से बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए होता है। अब अगर आप सेविंग्स अकाउंट वाला मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के अंदर हम करंट अकाउंट के मेन फीचर्स की बात करेंगे, फिर हम उसके फायदे और नुकसान देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे जो काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, कि मान लीजिए मेरा एक छोटा बिजनेस है या मैं एक शॉप ओनर हूं, मेरी ट्रांजैक्शंस तो काफी होती हैं लेकिन कैश में काफी डीलिंग होती है, तो कैश में कितना डाल सकता हूं बैंक के अंदर जिसमें कोई मेरा चार्ज ना लगे, या फिर मैं एक दिन में कैश निकाल कितना सकता हूं, या फिर कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि करंट अकाउंट में कितने खोल सकता हूं, क्या मैं एक ही करंट अकाउंट खोल सकता हूं या मैं मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकता हूं। तो इन सारे सवालों के हम जवाब इस वीडियो के अंदर देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं करंट अकाउंट होता क्या है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो करंट अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट है जो आप किसी भी बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। ये मेनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आपको डेफिनेटली करंट अकाउंट ज्यादा सूटेबल रहेगा सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले। अब हम देखेंगे उसके क्या क्या रीजंस हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो अगर हम ट्रांजैक्शन समझें एक करंट अकाउंट के अंदर, किसी भी कंपनी और बैंक के बीच में कैसे ट्रांजैक्शन होती है, आप बेसिकली एक करंट अकाउंट खुलवाने के बाद आप उसके अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी से कोई पैसा लेना है आपको, किसी भी बिजनेस में आपने कोई सेलिंग करी, लेट से सेल्स हुई आपकी, ठीक है, तो सेल से जो पैसा आता है आप वो ले सकते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन का पैसा आ सकता है, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपका जो पैसा आता है आप बैंक के अंदर रख लेते हैं और आपको कैश हैंडल नहीं करना पड़ता है। तो आपको एक तो बैंक की सिक्योरिटी मिल जाती है और साथ में और भी काफ़ी सारे फायदे हो जाते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, और साथ ही में आप बैंक से पैसा भी वापस निकाल सकते हैं। अब करंट अकाउंट के अंदर सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0% इंटरेस्ट मिलता है आपको करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट होता था तो उसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि आपको एक इंटरेस्ट मिल जाता है 3-4% का। तो ये होता है आपका सेविंग्स अकाउंट के अंदर, राइट। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलता है, आप जितना भी पैसा यहाँ पे रखेंगे बैंक के अंदर आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब सेविंग्स अकाउंट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, डिटेल्ड वीडियो, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अब करंट अकाउंट के अंदर भी आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है जैसा सेविंग्स अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। तो एवरेज मंथली या क्वार्टरली बैलेंस की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब ये कितनी भी हो सकती हैं, अगर हम आज की डेट में SBI की बात करें तो SBI आपको 10,000 रुपये की पर मंथ बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहता है, और ये 10,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक कितना भी हो सकता है, अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है ये, और किस तरीके का आप फैसिलिटीज चाहते हैं उस अकाउंट के अंदर। अगर आप ज़्यादा फैसिलिटीज चाहते हैं तो बैंक कहता है कि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस ज़्यादा मेंटेन कीजिए, आप 1,00,000 या 2,00,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन कीजिए। फिर ट्रांजैक्शंस आप अनलिमिटेड कर सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर। अब जब हमने सेविंग्स अकाउंट की बात की थी तो वहाँ पे मंथली या डेली ट्रांजैक्शंस आपकी लिमिटेड होती हैं, उसके बाद आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, पर डे आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ, इसकी लिमिट जरूर हो सकती है आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं है, ना अमाउंट की लिमिट है, ना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की लिमिट है। तो आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक्स रिसीव कर सकते हैं या कैश रिसीव कर सकते हैं। फिर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, चेकबुक, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज तो आज की डेट में आम हो गई हैं, सारी के सारे अकाउंट्स में मिल जाती हैं आपको। फिर ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, आप बैंक ट्रांसफर्स कर सकते हैं नेफ्ट, RTGS या IMPS के थ्रू। सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, करंट अकाउंट के अंदर भी मिलती हैं। फिर आप अकाउंट बैलेंस और स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन, आप अपने बिल पेमेंट्स कर सकते हैं,
बिल पेमेंट्स के साथ साथ आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी लगा सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है, मान लीजिए आपके कुछ पेमेंट्स रेगुलरली होते हैं, हर मंथ होते हैं, लेट से कोई ईएमआई जाती है, कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर इंटरनेट का बिल, ये सारों के लिए आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगी आपके करंट अकाउंट से। फिर उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है आपको। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक करंट अकाउंट के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आप एक अपने अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए का लेट से बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो आपकी अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, तो बैंक आपको कहता है कि कभी आपको मान लीजिए इमरजेंसी के अंदर 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसी को हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, राइट। अब इस ओवरड्राफ्ट के अंदर आपको बेसिकली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब ये जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन होता है। ये सिक्योर्ड लोन भी हो सकता है, बट जनरली ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अगर आप सिक्योर्ड लोन लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं कराते हैं, कोई एफडी वगैरह जमा नहीं कराते हैं, तो ये अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है और आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ये वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। कैश क्रेडिट भी एक तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वर्किंग कैपिटल वगैरह मैनेज करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, या फिर अगर आपको अपने बिजनेस में और छोटे मोटे टाइम के लिए रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको बेसिकली सेविंग्स अकाउंट के अंदर नहीं मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट की बात करते हैं। आप बेसिकली कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बाई चेक आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन एक लिमिट तक आप फ्री में कर सकते हैं, पर डे या पर मंथ की ज़्यादातर बैंक्स लिमिट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कोई बैंक 25,000 पर डे की लिमिट लगा सकता है, कोई बैंक कहता है कि आप 2 लाख रुपये पर मंथ तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या कैश निकाल सकते हैं, तो आप ये वाली लिमिट से ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके ऊपर अगर आप कैश हैंडल करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं या निकाल नहीं सकते हैं, खाली आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आपका लिमिट के ऊपर जाता है कैश हैंडलिंग। तो इसीलिए ज़्यादातर बैंक्स कैश को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं हैंडल करना, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप कितनी भी कीजिए, चेक से पेमेंट दीजिए लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं है। अब करंट अकाउंट ओपन कौन कर सकता है, तो करंट अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है। आप अगर किसी भी तरीके के बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर आप कोई और भी तरीके के ट्रांजैक्शंस करते हैं जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल खोल सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोल सकती है, हर तरीके की कंपनी खोल सकती है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो या चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट खोल सकते हैं, एसोसिएशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो कोई भी करंट अकाउंट को खोल सकता है जहां पे भी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं। फिर चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको कई तरीके की सर्विसेज के लिए, स्पेशली जैसे अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया, आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, आपको कोई डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकलवानी है बैंक से, कोई रेमिटेंसेज जैसे अगर आपने कोई डीडी वगैरह बनवाना है उसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में जनरली कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बैंक्स एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा पे कुछ ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगाएं, तो आप एक बार ये चार्जेस ज़रूर चेक कर लीजिए और ऐसे ही बैंक में अकाउंट खुलवाएं अगर आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चार्जेस निल हों या फिर कम से कम हों, ऐसे ही बैंक में अकाउंट खुलवाएं। तो ये हो गए करंट अकाउंट के फीचर्स इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने बिजनेस में कैश बहुत ज़्यादा हैंडल करते हैं तो एक सिक्योरिटी का रिस्क होता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करा देते हैं तो आपका सिक्योरिटी का रिस्क कम हो जाता है, ये एक काफ़ी बड़ा फायदा है। फिर बिजनेस फ्रेंडली होता है ये अकाउंट, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं पर डे के अंदर, तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। प्लस साथ में अगर आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक क्वेश्चन कर सकता है आपको कि अगर आपका कोई बिजनेस है और ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो इंसिस्ट करेगा आपको कि आप एक करंट अकाउंट खुलवाएं। तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने बिजनेस का पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो वो गलत है, आप करंट अकाउंट के अंदर उसको शिफ्ट कर लीजिए, आप एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली, कई बार इमरजेंसी में पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट आ जाती है बिजनेसेस के अंदर, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ।
फिर इजी टू ऑपरेट होता है। अब देखिए, अगर आप खाली कैश हैंडल करेंगे और बाय चांस कोई कहता है कि हम तो खाली चेक पेमेंट लेंगे या फिर खाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपके पास अगर करंट अकाउंट नहीं होगा तो आपके लिए ट्रांजैक्शन करना कई बार मुश्किल हो सकता है। और काफ़ी आसानी से आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट करनी है, शॉपिंग करनी है, किसी को भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, ऑनलाइन आज की डेट में चाहे आप फ़ोन से कर लीजिए, चाहे आप इंटरनेट से, चाहे अपने डेस्कटॉप से कर लीजिए, चेक पेमेंट कर लीजिए। आपके पास कार्ड्स हैं, आप कार्ड से कैश भी निकलवा सकते हैं, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स इशू हो जाते हैं उनसे भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इजी काफ़ी हो जाता है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब नुकसान की बात करें तो इसका एक ही नुकसान है, और वो नुकसान ये है कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है जितने भी आपके डिपॉजिट होते हैं करंट अकाउंट के अंदर। तो इसके अंदर बहुत लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स मतलब जैसे कुछ लोग लिक्विड फंड्स के अंदर पैसा डाल लेते हैं, अगर ज़्यादा पैसा है तो लिक्विड फंड्स के अंदर थोड़ा पैसा शिफ्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म एफडीज के अंदर पैसा डाल देते हैं, राइट? तो आप इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो आपका जितना भी लेट से 2-3 महीने की वर्किंग कैपिटल आप करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन कर लीजिए, और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आप बाकी के इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हैं। जैसे ही वो मैच्योर होंगे, शॉर्ट टर्म एफडी लेट से मैच्योर होती है आपकी, तो आप वापस से उसको पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं क्विकली एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आपको एक तो एप्लीकेशन लग जाती है विद फोटोग्राफ्स, अगर आप कंपनी के लिए खुलवा रहे हैं तो सारे डायरेक्टर्स की फोटोग्राफ लग जाती है। पैन कार्ड लग जाता है, अगर आप इंडिविजुअल के लिए खुलवाना चाहते हैं तो आपका पैन कार्ड लगेगा, कंपनी के लिए कंपनी का पैन कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी आपको। एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, अगर आप कंपनी के लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा, चाहे आप कंपनी के लिए अकाउंट खुलवाएं या किसी ट्रस्ट के लिए खुलवाएं। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ती है। आईडी और रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ता है सारे पार्टनर्स का। फिर आपको जो आपका एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है उससे एक चेक देना होगा, जितना भी वो मिनिमम बैलेंस आपसे मांगेंगे। लेट से अगर मान लीजिए 25,000 का वो कहते हैं मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है, तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे 25,000 का चेक मांगे, तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी मांगी जाएंगी, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है कंपनी का वो एड्रेस देना होगा, ईमेल देना होगा, बैंक जहाँ पे भी आपसे कम्युनिकेट करेगा आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह भेजी जाएंगी, और एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जो भी आपकी ऑनलाइन बैंकिंग होगी तो SMS वगैरह आएंगे OTP के लिए, आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो जो भी उस अकाउंट को हैंडल करेगा उसकी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं यहाँ पे। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं करंट अकाउंट से रिलेटेड। तो काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसा कि एक्स्ट्रा चार्जेस क्या मेरे को कुछ पे करने पड़ेंगे अगर मैं करंट अकाउंट खुलवाता हूं तो, या फिर करंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, ऐसे कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने होते हैं, ना अकाउंट खुलवाने के लिए ना ही मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आप कितने करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये काफ़ी लोगों का सवाल है, और एक बिजनेस कितने करंट अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए, ज्यादातर बैंक्स इंसिस्ट करते हैं कि आप एक सिंगल अकाउंट ही खुलवाएं एक बैंक के साथ। हाँ, अगर आपकी ज्यादा अकाउंट की बाय चांस रिक्वायरमेंट है तो आप डिफरेंट बैंक्स के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर भी ज्यादातर बैंक्स आपको कहेंगे कि आपके बाकी के जितने करंट अकाउंट हैं उनको आप डिक्लेयर करें, और जहां पे भी आप स्पेशली क्रेडिट फैसिलिटीज लेते हैं, जहां से भी आपने मान लीजिए ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या फिर किसी भी तरीके का कोई लोन लिया है, तो ऐसे बैंकों में जहां पे भी आपके करंट अकाउंट हैं तो उनको आप डिक्लेयर कीजिए, और वहां से आप NOC भी लेके आइए। उस बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपके दूसरे करंट अकाउंट के खुलने में, और दोनों बैंकों को पता होने चाहिए कि आपके और कहां पे करंट अकाउंट हैं। अब ये इशू बेसिकली इसीलिए रेज हुआ है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स के आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स या कंपनीज मनी डाइवर्ट कर दिया करते थे, तो इस वजह से आजकल काफ़ी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स ऑपरेट करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं तो आपको बाकी के बैंक्स में उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप कितनी कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर कोई लिमिट है? जी नहीं, कोई लिमिट नहीं होती, इसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, आप कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में अगर आप एक अमाउंट से ज़्यादा ट्रांसफर करते हैं तो थोड़े बहुत चार्जेस आपको ज़रूर पे करने पड़ सकते हैं। फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि मेरा छोटा सा बिजनेस ही है या फिर मैं एक शॉप ओनर हूँ तो क्या मुझे करंट अकाउंट खोलना चाहिए? डेफिनेटली आपको अकाउंट खोलना चाहिए क्योंकि आप फंड्स उससे बेटर मैनेज कर सकते हैं। कैश आप अपने घर पे रखते हैं या बहुत ज़्यादा कैश हैंडल करते हैं तो एक वैसे भी काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं,
तो चाहे आपका छोटा अकाउंट, छोटे बिजनेस हो, चाहे आप एक शॉप ओनर हो, आपको एक करंट अकाउंट खोल लेना चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है। तो आई थिंक मैंने करंट अकाउंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और मैंने सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोज के लिए, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहता हूं, तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।